सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सो गाइस, मैं आ रखा हूँ इधर ब्लॉगिंग करने। सो गाइस, अभी आगे चलते हैं घर, और मैं इधर खेतों में आ रखा हूँ देखने के लिए। तो मतलब मस्त है माहौल, तो इधर माहौल मस्त है और गजब वाला माहौल है। सूरज भी निकल गया है तो अच्छा माहौल है, क्योंकि इधर ना अभी कपास फूटने वाला है और निकालेंगे और दीपावली से पहले बेचेंगे भी। और इधर मम्मी कल मतलब कपास बीन ली है यहाँ से, मेरे जो इधर साइड में खेत है ना, यहाँ से मम्मी कपास बीन ली है। तो यहाँ से भी अभी ऐस दें, अभी मतलब करीबन 40-50 किलो कपास हो गया है घर टोटल, मतलब वहाँ से भी लाए थे खेत से। तो अभी उनको बेचना है गाइस, तो गाइस दीपावली से पहले बेचना है, फिर कपड़े वपड़े लेना है तो पहले ही बेचना पड़ेगा। वैसे गाइस चलते हैं घर का लोकेशन दिखाते हैं, उधर चाय तो पी लिए हैं, खाना वाना बनाएंगे फिर, और बहुत कुछ काम करना है तो आगे देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, मम्मी भेज रही है दूध लेने, एक बार तो काढ़ा चाय पी लिए हैं और 10 रुपये दे रही है कि दूध लेके आ, दूध वाली पियेंगे। तो गाइस दूध लेना जाना पड़ेगा, तो गाइस पापा के पास से चाबी मांगते हैं और चलते हैं दूध लेने। चाय बन रही है, ये बन रही है चाय यहाँ पर पीने वाले दादी और सो गाइस, अभी मम्मी और मैं बैठकर खाना खा रहे हैं। तो गाइस अभी खाना वाना बन गया है, तो अभी खाना खाएंगे, उसके बाद खेत वेत में काम करना है। तो मम्मी आज कौन सा काम करेंगे? चारों काटने। तो गाइस आज बेलों के लिए चारा काटना है और खेत को साफ करना है, तो वो करेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल तो खाना खा रहे हैं, ये दाल और रोटी बनी है तो वो खा रहे हैं, उसके बाद काम करेंगे, तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। सो गाइस, खाना वाना तो खा लिए हैं, और अभी पप्पा खाना नहीं खा रही है, तो पूछो मतलब इसको भूख लगी नहीं? भूख लगेगी। सो गाइस, खुद निकाल के खा लेंगे, इसे निकाल के देने का काम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर काम नहीं करते हैं, खुद का घर है, तो ये खुद निकाल के खा लेंगे। वैसे गाइस ब्लॉग में बने रही है, अभी चाय वाय बनाएगी मम्मी, तो फिर और बनेगा ब्लॉग। तो चाय तू बना रहा? मम्मी अभी खाना खा रही है, तो खाना खाने के बाद बनाएगी। दाल भी आज चरकी थी, तो मतलब ज़्यादा पानी पी लिया, बहुत चरकी थी। तो गाइस ऐसे के साथ आगे बढ़ते हैं। मम्मी चाय नहीं बना रही है अभी, चाय बना अभी पहला। सो गाइस अभी मम्मी चाय बनाएगी, चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ चाय। सो गाइस मम्मी चाय नहीं बना रही है और गांव सुधारो करके बोल रही है, तो और जरा अखबार थी। तो गाइस पप्पा बना देंगे, पप्पा यहाँ पे बैठे हैं, तो शुगर दूध बनाओ। सो गाइस मम्मी गेहूं सुधार रही है अभी, तो मतलब चालनी में मतलब इसको जो मतलब छोटे छोटे गेहूं रहते हैं वो मतलब निकल जाएंगे इसमें, उसके बाद यहां से मतलब इसमें डाल के इनको बाद में सुधारेंगे, मम्मी और मैं दोनों सुधारेंगे, फिर गेहूं को पिसवा कर हम खाएंगे खाना। सो गाइस अभी बज गए हैं शाम, करीबन 6 बज गए हैं। सो गाइस मैं अभी घर ही हूँ। सो गाइस मैं डेयरी गया था मतलब बंदूक वंदूक लेने, तो बंदूक वंदूक ले आया, मेरे लिए नहीं मतलब मेरे दोस्त के लिए लाया था, तो मतलब देने के लिए, तो उसके लिए ले आए हैं। सो गाइस मैं आ गया हूँ वहाँ से। और गाइस वैसे मतलब मैं बताने वाला हूँ कि मतलब मम्मी वम्मी खेत में जा रहे हैं पापा, और तो मैं घर हूँ, और घर होने के बाद मतलब घर है तो मेरे को काम वाम करना पड़ा, तो मैं काम वाम तो सब कर दिया हूँ, और ऐसा काम किया जो आपको बता नहीं सकता, मतलब बहुत भयानक काम था, वैसे घर का ही काम था तो कर दिया। अच्छा। और काम करने के बाद अभी पंखे के नीचे हूँ, हवा खा रहा और ब्लॉग बना रहा हूँ। सो गाइस पापा और मम्मी आएंगे मतलब आएंगे तो फिर ब्लॉग बनाना पड़ेगा।
सो गाइस मम्मी आ चुकी है और बोल रही है कि पापा के पास मतलब मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे तो गाइस पापा की मतलब मोटरसाइकिल थी हमारी तो मतलब चाबी घूम गए तो गाइस अब मेरे को जाना पड़ेगा लेने के लिए तो डायरेक्ट करके लाएंगे तो उधर का लोकेशन दिखाते हैं फिर। सो गाइस मैं आ चुका हूँ रोड पर इधर अंधेरे में। सो गाइस यहाँ से ना मेरे को मतलब मेरे पापा के पास जाना है तो करीबन बहुत टाइम लगेगा तो गाइस मतलब आधी दूर आ गया हूँ आधी दूर और है तो गाइस बने रहिए आगे दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैं बैटरी टार्च जला रहा हूँ तब जाके दिख रहा है मतलब अंधेरा दिख रहा है तो गाइस पापा बहुत अंधेरे में बैठे हैं उसके पास मतलब मेरे पापा के पास मोबाइल कुछ नहीं है तो गाइस मैं बैटरी लेके जा रहा हूँ मतलब चाबी खेत में गए थे चारा लेने के लिए मम्मी और पापा तो मम्मी आ गए हैं। मम्मी बोल रही थी कि मतलब पापा को बोल रही थी कि चारा वारा मतलब काट के रखे थे और पापा मतलब चाबी वाबी घूम गए करके बोल रहे थे तो मम्मी आ गए और मेरे को मम्मी बोले तो गाइस मैं आया हूँ तो गाइस मैं बैटरी लेके जा रखा हूँ और इधर बाइक से तो गाइस मतलब बैटरी लेके जा रहा हूँ करीबन लगेगा 5 मिनट तो लगेगा जाते क्योंकि बहुत दूर है गाइस। तो सो गाइस अंधेरे में डर भी लग रहा है क्योंकि मैं अकेले जा रहा हूँ ना इसलिए बहुत डर भी लग रहा है तो गाइस तब भी जाना पड़ेगा पापा के पास। वैसे गाइस अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे यहाँ से मतलब पूरा अंधेरा है टार्च जला के मैं कैमरे में लाइट डाल रहा हूँ। वैसे गाइस जाना तो पड़ेगा क्योंकि चाबी ख़राब हो रखी है मोटरसाइकिल की मतलब मोटरसाइकिल की चाबी मिल नहीं रही है तो लाना तो पड़ेगा गाइस तो बाइक मेरे को ही लाना पड़ेगा चारा भी है बहुत सारा बैलों के लिए। तो गाइस अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है वैसे भी करके मतलब जाना तो पड़ेगा बाइक लेके ऐसे ही। सो गाइस क्या बताऊँ सामने से कार वार आ रही है भयंकर वाली तो गाइस बहुत डर लगता है मतलब रात को कार चलती रहती है बहुत भयानक वाली कार है गाइस। तो गाइस पीछे से तो कुछ दिख भी नहीं रहा है तो गाइस मतलब पास में आ गए करीबन 2 या 3 मिनट लगेगा जाते तो आ जाएंगे। सो गाइस जाने में करीबन मतलब टाइम लगेगा बहुत पास आ गए मंदिर के पास आ गए तब भी गाइस जाना तो पड़ेगा बहुत दूर जाना है। गाइस इधर अकेले मतलब घूमो कोई भी नहीं रहता है इधर तो गाइस थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि इधर कोई ना रहता है ना देखो पूरा खाली है पूरा रोड सुनसान है गाइस ये देखो तब भी मतलब जाना तो पड़ेगा अकेले को ही जाना पड़ेगा क्योंकि कोई साथ भी नहीं आ रहा था तो मैं सोचा कि अकेले जाऊँ। सो गाइस अकेले जाने में कितना मतलब डर लगता है। वैसे गाइस करीबन आ ही गया हूँ पास में ही है जल्दी जाना पड़ेगा। तो गाइस रास्ता वास्ता देखो कितना भयानक रास्ता है मतलब अजीब यार गजब वाला रास्ता है और अगर इस रास्ते से मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं रहता है यहाँ पर क्योंकि एकदम पूरा सुनसान जगह ऐसा लगता है थोड़ा डर तो लगता है क्योंकि यार इतना भयानक रास्ता है तो गाइस डर तो लगेगा यार। वैसे गाइस मैं अकेले आ रखा हूँ वैसे मेरे को डर तो नहीं लगता है लेकिन क्या करें आना पड़ता है ना गाइस अब गाड़ी ख़राब हो गई उसको सुधार के तो ले जाना ही पड़ेगा मतलब चाबी ख़राब हो गई मतलब चाबी नहीं मिली रही मतलब चाबी घूम गई है तो गाइस चाबी को ना अभी डायरेक्ट करना पड़ेगा बाइक को। तो गाइस अब पापा कहाँ पर है ये तो नहीं पता लेकिन खेत में ही होंगे तो गाइस वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि यार रास्ता देखो कितना भयानक रास्ता है। और यहाँ पर गाइस एक बात और ये भी है कि मतलब देखो यार बाइक भी नहीं मिल रही शायद हाँ वहीं पर है बाइक गाइस। सो गाइस आ चुके हैं हम बहुत पास में आ चुके हैं पापा चल। सो गाइस पापा अभी चाबी घूम गए हैं तो गाइस यहाँ पर सो रखे थे तो गाइस बहुत देर से मैं चल के आया कि मतलब पापा को मतलब डायरेक्ट करते नहीं आता तो अभी डायरेक्ट करके ले जाना पड़ेगा तो कैसा लग रहा चाबी घूम गई तो डर लग रहा है चाबी खोएगी काल ढूंढना और का है। सो गाइस चाबी ढूंढना पड़ेगा वहाँ तक के लिए अभी चाबी को डायरेक्ट करना पड़ेगा तो पापा मतलब मेरा डायरेक्ट करना पड़ेगा तो रास्ता भी इतना भयानक था कि मतलब यार गजब कोई यहाँ पर नहीं रहता है गाइस अकेले ही दो हैं पापा और मैं और हमारी फरारी ये रही यहाँ पर है तब इसको ले जाना पड़ेगा डायरेक्ट करके तो और चारा तो इतना सारा है कि क्या बताऊँ फरारी की भी वाट लग जाएगी। सो गाइस इसको अभी डायरेक्ट करेंगे और ले जाएंगे ये हमारी फरारी गाइस इस फरारी के लिए लाइक करो। सो गाइस इस गाड़ी को अब डायरेक्ट करके ले जाएंगे तो गाइस टाइम तो लगेगा थोड़ा सा अभी इसको खोलते हैं गाड़ी को खोल। सो गाइस गाड़ी को खोलना पड़ेगा क्योंकि अभी मर गाड़ी का मत वीडियो बना रहे गरीब छे।
सो गाइस गाड़ी को खोलना पड़ेगा, वहाँ तक स्किप करते हैं यार, आपको दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे बोल रहे हैं पापा, तो आगे देखते हैं क्या होता है। चल चल। सो गाइस डाइट कर लिया है, मतलब मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो गाइस बहुत देर में चल लो, करीबन आधा घंटा लग गया, मतलब 10-15 मिनट लग गए। तो गाइस अभी चल लो हो गए हैं, तो गाइस अब इसको चल लो करके ले जाना है, तो अब चल लो होती नहीं, देखते हैं क्या होता है। डाइट तो कर दिया है। सो गाइस अभी चल लो कर रहे हैं, तो गाइस चल लो हो गए हैं, तो अभी चलते हैं गाइस वहाँ तक के लिए, स्किप करते हैं और घर जाके दिखाएंगे हम आपको कि ये गाड़ी चल लो हो गए है। तो गाइस अभी चलते हैं, पापा चल कर आएंगे और मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। तो गाइस पापा को लेने आ गया मैं, गाइस चारा डाल के आ गया हूँ। तो गाइस अभी जा रहे हैं घर, इधर मोबाइल तक अच्छा ऊपर बताओ, तो लाइट बताओ, लाइट बताओ, साइड वहाँ बस अच्छा मोबाइल को बस। तो गाइस अभी तो जा रहे हैं घर, पापा को लेने आया था तो आ गया हूँ। तो गाइस अभी तो जा रहे हैं घर, घर जा रहे हैं मतलब अभी तो घर जा रहे हैं, चारा वारा डाल दिए हैं, तो अभी तो गाड़ी घर आ गए हैं। सो गाइस अभी सो रखे हैं, खाना वाना खा लिए, खेत में से आए तो खाना वाना खा लिए हैं। तो गाइस आज दाल बनी थी चौले की और रोटी बनी थी, तो गाइस खा लिए हैं। और चाय वाय तो अभी बनेगी, तो गाइस चाय 3-4 बार बनती है वहाँ पर, अभी 5 बार बन रही है। तो गाइस चाय वाय मम्मी बनाएगी, तो गाइस अभी मैं मम्मी को बोलता हूँ चाय बनाएगी कि नहीं बनाएगी, मम्मी चाय बनाओ कि नहीं बनाओ। तो गाइस मम्मी तो कपड़े धो रही है, तो शायद राजू वाजू बनाएगा चाय, तो गाइस आज चाय बनेगी और पिलाएंगे, मतलब राजू पिलाएगा चाय। तो गाइस अभी चाय बनेगी वहाँ तक, आगे देखते हैं क्या होता, चाय बनती है या नहीं बनती है वहाँ तक देखते हैं। सो गाइस राजू सो गया है तो चाय नहीं बनी, तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर रोकते हैं, सुबह चाय बनाकर पियेंगे तो बनाएंगे ब्लॉग। तो गाइस अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही ब्लॉग भयानक लाता रहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।